हम खबर आपको बताते हैं, सीएम तीरथ ने जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बदले मौसम के बाद आपदा प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। बादल फटने और लैंडस्लाइड की घटनाओं के बाद सीएम का निर्देश है कि बेघर हुए जो लोग हैं उनके रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने घायलों का तत्काल इलाज कराने के निर्देश दिए, नुकसान का आकलन कर पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जी मीडिया संवाददाता राहुल हमारे साथ देहरादून से लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, ये जरूरी कदम भी था सरकार का और उन्होंने उठाया भी कदम, अब उठा लिया गया है, ऐसे में लोगों को राहत मिलेगी। वो इसलिए भी, एक तो कोरोना काल की वजह से आम आदमी की कमर टूट गई है, दूसरी तरफ दाउते का जो असर है उत्तराखंड में इतना देखने को मिला कि कई लोगों के घर भी ढह गए, ऐसे में लोगों के ऊपर दोहरी मार ये पड़ रही है, मौसम की भी और बीमारी की भी। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम है। सही कह रही हैं भैया कि ये बड़ा कदम है सरकार की तरफ से, और सरकार ने यहाँ पर कहा जाए कि मुख्यमंत्री ने खुद इसका संज्ञान लिया है, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से बात किया है और वहाँ पे जिस जहाँ पे भी जान माल की हानि जहाँ हुई है उन सभी जीवों का वहाँ पूरा सीमांकन करने के लिए, अवलोकन करने के लिए और जल्द से जल्द अवलोकन करने की बात यहाँ पर मुख्यमंत्री के द्वारा कही की गई है कि इसमें पूरा पता लगाए कितने जान माल की हानि यहाँ पर हुई है और उसको तुरंत वहाँ पर मुआवजा दिया जाए, साथ ही साथ लोगों को रीअलोकेट करवाया जाए यहाँ पर, क्योंकि दो दिन से जो लगातार बारिश हो रही थी उस बारिश की वजह से कई जगहों पर बादल फटने की भी घटनाएं देखने को मिली, उसके अलावा सड़कें ब्लॉक हुई, लोगों का आवागमन का रास्ता ब्लॉक हुआ था कई जगह पे, जैसे चकराता में ही देखा जाए तो बादल फटने की वजह से 3 लोगों की वहाँ पर मौत भी हो गई। ये सभी घटनाएं देखने को मिली है और उस पर मुख्यमंत्री ने खुद स्वतः संज्ञान लेकर के और उसके बाद उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया, जिलाधिकारियों से कहा गया है कि यहाँ पर पूरी जानकारी लें कितना नुकसान हुआ है और उन नुकसान हुए यदि जो भी लोग इसमें नुकसान से प्रभावित हुए उनको जल्द से जल्द वहाँ पर मुआवजा राशि प्रदान करके और उन्हें रीएलोकेट किया जाए। बिल्कुल, अपेक्षा यही है कि जिलाधिकारियों को जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन जल्द से जल्द हो, क्योंकि लोगों को वाकई अभी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत नजर आती है। मयंक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर और आर्थिक तौर पर अभी जनता काफी परेशान है, परेशानी का सामना कर रही है, खासतौर पर उत्तराखंड में, इसलिए क्योंकि बादल फटा, लैंडस्लाइड हुई, कई लोग बेघर हो गए, कई लोगों ने अपनों को खो दिया। ऐसे में सरकार का ये कदम, जिला अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है, लेकिन धरातल पर भी उतना ही अचूक तरीके से ये काम करना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके, ऐसी उम्मीद है। और देखिए, इसको इस सरकार का बहुत महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो मौसम है ये कभी भी करवट ले लेता है और खासतौर की इस बार मई के महीने में हम जिस तरह की घटनाएं देख रहे हैं, अमूमन इस तरह की घटना हमें कई सालों के बाद देखने को मिल रही है। ऐसा होता नहीं है कि मई के महीने में क्लाउड बस्ट की घटनाएं हो, इस तरह की मूसलाधार बारिश हो। तो निश्चित तौर पर सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जो जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं वो इसी के मद्देनजर दिए हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक राहत मिल पाए। सरकार संवेदनशील है और चाहती है कि जो लोग इस आपदा में, इसको आपदा ही, प्राकृतिक आपदा कही जा सकती है, क्योंकि कल जिस तरह से 5 लोगों की मौत हुई है, उससे पहले हमने देवप्रयाग क्षेत्र में देखा बादल फटने घटना हुई, चमोली में बादल फटने घटना हुई, तो कहीं ना कहीं सरकार इस पर संजीदा नजर आ रही है और यही चाह रही है कि लोगों को अधिक से अधिक राहत, बिल्कुल लोगों को अधिक से अधिक राहत मिल सके, ये सरकार की कोशिश है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट हम लेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, चमोली के लामबगड़ में नदी में उफान आने की वजह से 4 लोग नदी के बीच फंस गए, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों का रेस्क्यू किया। तो वहीं तपोवन में ज्यादा बारिश की वजह से तपोवन भंग्यूल पुल पर भी बह गया, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। बता दें कि 2 महीने पहले ही पीडब्ल्यूडी ने इस पुल को बनाया था, पुल बहने से गाँव का जो बाकी इलाकों से संपर्क है वो कट गया है। और रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें भी देखिए सामने आई है, बारिश के चलते अलकनंदा नदी में उफान है, भारी बहाव में 4 लोग फंस गए थे, एसडीआरएफ ने उनका रेस्क्यू किया, उन्हें बचा लिया गया है। हालांकि लोगों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, चमोली के लामबगड़ में नदी में उफान आने की वजह से 4 लोग नदी के बीच में फंस गए थे। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का तुरंत रेस्क्यू करने का काम शुरू किया, बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कर लिया गया है, चारों को बचा लिया गया है, अभी तक ये खबर मिल रही है।
तो वहीं तपोवन में भी ज्यादा बारिश की वजह से पुल बह गया। इस पुल को कुछ दिन पहले ही बनाया गया था, सिर्फ 2 महीने पहले इस पुल को पीडब्ल्यूडी ने बनाया था जो कि बह गया है। पुल बहने से अब गांव का बाकी इलाकों से संपर्क कट गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ जहां एसडीआरएफ ने 4 लोगों का रेस्क्यू किया है, बारिश के चलते अलकनंदा नदी में उफान देखने को मिला, लोगों को बचाया गया, उनका रेस्क्यू किया गया। बादल फटने की वजह से और लैंडस्लाइड की वजह से ये हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। ताउते का जो आफ्टर इफेक्ट है वो भी एक तरीके से ये कहा जा सकता है। साथ ही उत्तराखंड में लगातार जो मौसम है वो करवट लेता रहता है, ऐसे में बड़ी दिक्कत लोगों के सामने पेश आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पुष्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्कर, जनता के सामने बड़ी परेशानी है, अभी बताया जा रहा है कि बीच नदी में कुछ लोग फंस गए थे, एसडीआरएफ ने उनका रेस्क्यू किया है। साथ ही दूसरी तस्वीर भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर पुल भी बह गया, गांव का संपर्क कट गया है शहरों से, क्या जानकारी? जी देखिए, जो लगातार यहाँ पे बारिश थी चमोली में, उस कारण जो लामबगड़ का जो नाला था वो काफी उफान पे आ गया था और कुछ गांव के लोग जो काश्तकारी के लिए गए थे वो लोग वहां फंस गए थे नदी अलकनंदा के उस पार। तो वहां पे जब वो एक मतलब एक दिन भर लगभग वहां पे फंसे रहे, उसके बाद एसडीआरएफ की जो टीम वहां पे पहुंची, उसके बाद जो है 4 लोगों को रोप के माध्यम से जो है अलकनंदा के पार करवाया गया। तो ये 4 लोग जो लोकल लोग थे जो काश्तकारी के लिए जो है अलकनंदा के उस साइड गए थे, लेकिन पानी जब बढ़ गया तो उसके बाद वहां फंस गए थे। तो एसडीआरएफ ने उनको वहां से रेस्क्यू करके रोप के माध्यम से, वही जो छत साइड की बात करें तो जो गली गांव है उसके ऊपर जो बना हुआ जो एक भंजिम गांव है जोशीमठ ब्लॉक का, उसको जोड़ने वाला पुल भी कल जो है जब धौली गंगा और जो रेणिंग जो है उसका नदी का जो जलस्तर बढ़ा तो उसका पुल भी ढह गया था। जबकि 3 महीने पहले जो है रैनी आपदा में भी वो पुल ढह गया था, उसके बाद फिर पीडब्ल्यूडी ने उस पुल को बनाया, लेकिन कल देर रात से वो भी पुल भी ढह गया। बिल्कुल पुष्कर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के। लोगों से अपील है कि बहुत सतर्क होकर रहें, ऐसे स्थानों पर जाने से बचें जहां पर इस तरीके से आपातकाल वाली स्थितियां बन सकती हैं।